सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज बहुत टाइम बाद में वीडियो बना रहा हूँ, और मेरी जब भी वीडियो ज़्यादातर स्टार्ट होती है वो रात के टाइम में ही होती है, और अभी भी रात के टाइम में ही हो रही है। अभी टाइम हो रहा है रात के 10:45, और हम लोग जा रहे हैं इस टाइम ऋषिकेश। मैं जा रहा हूँ, मेरे जीजू जा रहे हैं, और मेरे दोस्त जा रहे हैं जो मेरे साथ शिमला गए थे, कौशल विनय दीपक बत्रा। तो अभी हम लोग निकलेंगे, अभी कौशल गाड़ी लेके आ रहा है, और कौशल ने नई गाड़ी ली है। पहले उसके पास सेंट्रो थी जिसमें हम गए थे, और अब लिए उसने न्यू अर्टिगा, तो उसमें जा रहे हैं। और बस अभी कौशल आने वाला है, फिर हम लोग निकलते हैं, और हम अभी जा रहे हैं रोड पे। अभी जीजू आ रहे हैं, फिर हम जाएंगे दोनों चले रोड पे, फिर गाड़ी में बैठेंगे, फिर आगे सबसे मिलते हैं और आपको मिलवाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस, जैसे कि मेरे को मेरे सारे दोस्त मिल चुके हैं, बस एक विनय को उठाना है। ये रहे, अभी गाड़ी में CNG डल रही है, और ये रहे हमारे जीजू साहब, बोरा कौशल जो शिमला गया था हमारे साथ, ये भाई अभी फर्स्ट टाइम जा रहा हमारे साथ, और वो रहा दीपक बत्रा। तो बस अभी फुल तैयारी चल रही है, बस जा रहे, बस एक विनय को लेना है, उसके बाद सीधा निकलते टूर पे, बस CNG फुल हो जाए गाड़ी के अंदर। सो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 2:30, और हम रुके अभी एक होटल पे। अभी मुझे जगह का नाम नहीं पता कि कौन सी जगह रुके हम, कौन सी जगह नहीं, लेकिन यह है चौधरी टूरिस्ट ढाबा। और अभी भूख लगी थी बहुत, जोर खाने के लिए रुके हुए हैं, और ये रहे सब लोग। तो भाई एक बार हेलो कर दो सबको। हाय, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस हम रखा खाना खाने के लिए रुके, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आगे, क्योंकि रात को मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मॉर्निंग में वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं बना रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे सुबह। आ गया लास्ट टूल आई थिंक, बट आगे कोई टूल नहीं होगा। खोल दे भाई, खोल दे, लेट हो रहे हैं, जल्दी खोल दे, बहुत लेट हो गए भाई। हरिद्वार में आते ही ओम बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया। किधर जाना है ये बता, हर की बॉडी के लिए अंदर बता। सीधा चल, हर की बॉडी के लिए अंदर बता। तो जी, हरिद्वार तक पहुंच गए, अब हर की बॉडी की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी को लगाते पार्किंग, फिर चलते स्नान करने। यहाँ पे अभी ताजा बारिश हुई है, ताजा ही लग रही है, टायर की आवाज से पता चल रहा है ना। सुबह पार्किंग की इतनी भीड़, अभी सुबह का टाइम हो रहा है 6:45, और जाम अभी से लगाना शुरू हो गया पार्किंग के लिए। पार्किंग फुल, पार्किंग बिल्कुल फुल, गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती, नहीं लगेगी, नहीं फिर दूसरों को दिक्कत हो जाएगी ना। सो गाइस, हम आ चुके हैं हरिद्वार, अब जा रहे हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। ये हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग कर दी है, और ये सारे ये रहे। हाँ जी, चले चलो जी, चलो चलो, हमने अपनी चप्पल जूते यहाँ उतार दिए, बस अब जाएंगे स्नान करेंगे, फिर आ जाएंगे, फिर चलेंगे अपन ऋषिकेश। डर तो नहीं लगेगा नहाने में, पानी का बहाव दिखाए है, नहीं डर तो नहीं लगेगा नहाने में, पानी का बहाव तो देख, कितना देख रहा हूँ। कुछ भी बोलो भाई, आज नहाने में बड़े मजे आएंगे, आज बारिश हुई है ताजा। गाइस, चेकआउट, हम आ चुके हैं हरिद्वार हर की पौड़ी पे,
ये दीपक बत्रा, बाकी विनय, जीजू और कौशल, यहाँ ये सब कहाँ आ गए थे, कहाँ आ गए थे? ये चश्मा किसका मार दिया आपने? गजब बेइज्जती है। खरीद के लाया? खरीद भी लिया। सही है, बढ़िया। तो पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी पे, नहाएंगे, स्नान करेंगे, बस चलते हैं। भाई अभी हमने पन्नी खरीदी है अपना सामान रखने के लिए, सारा सामान रखेंगे इसमें, अपने कपड़े पड़े निकालेंगे और फिर सीधा पानी में, पहली फुर्सत में निकल। सारे अपनी तैयारी कर रहे हैं नहाने की। चलो हो जा जयकारा भैया की। कौशल एक घंटा, अभी 10 सेकंड हुए। अरे गुप्ता जी आपको तो यहाँ पे ठंडा पानी। वो गाइस देखिए पानी का भाव देखिए कितना तेज है। जाओ बत्रा जाओ, डुबकी मारो या धक्का देना पड़ेगा शिमला की तरह। अभी तो जाएंगे ये सब, उसके बाद जाऊंगा मैं, क्योंकि सामान की रखवाली करनी बहुत जरूरी है। तो चलो भाई तो भाई चलो अम्मी चलते हैं धीरे धीरे पानी में। वह बहुत ठंडा है, वह बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा सही में पानी बहुत तेज है भाई, बहुत तेज। अभी आपको शायद आवाज नहीं आएगी क्योंकि मैंने फोन को कवर में डाल दिया, बिकॉज फोन जाएगा पानी के अंदर। अभी जाएगा बत्रा का फोन पानी में। बत्रा कर दियो बंदर। सो गाइस सब नहा चुके हैं, सब अपने अपना नहा के अब चल रहे हैं मार्केट एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी सी, और आपको भी दिखाते हैं कि इस टाइम हरिद्वार में कितना रश है, कितनी भीड़ है, दिखाते हैं सारा। देख रहा मैंने पानी का भाव बहुत तेज है, पानी का भाव बहुत तेज, बहुत ज़्यादा रश है। अभी तो सुबह के बजे 7, अभी बहुत रश हो चुका है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा, और पानी का भाव देख के तो भाई अब हैरानी हो जाएंगे। ये कितना अच्छा लग रहा है, ये कमान बना हुआ है पुल पे, बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। देखिए पुराने जमाने के सिक्के, सारे पुराने टाइप के सिक्के हमारे पास तो खैर अब नहीं मिलेगा, लेकिन अंकल जी ने रख रखा अपने पास।
हम जो है अब बिल्कुल सही जगह ना लिए थे, वहाँ पे तो रश कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बिल्कुल अलग है। रश कितनी भीड़ है वो आप चेक करिए। तो गाइस आप चेक करिए भीड़, जहाँ हमने आए थे वहाँ तो खैर इतनी नहीं थी, लेकिन इधर यहाँ तो शायद नंबर भी ना आता नाने का, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस हमने हरिद्वार में दर्शन भी कर लिए भगवान जी के, और स्नान भी कर लिया है, और मार्केट भी थोड़ी बहुत एक्सप्लोर कर लिया है। आगे जा रहे थे बट आगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए हम गए नहीं। और भी नहीं, कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, अच्छे तरीके से दर्शन हो गए हमारे। और पानी थोड़ा ठंडा था हमारा, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा, और लहर भी उसकी बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा तेज है इस टाइम, बहुत ज़्यादा पानी बहुत ऊपर है। तो इसलिए अब बस हरिद्वार की अपनी जो यात्रा थी यहाँ तक समाप्त होती है, अब चलेंगे आगे ऋषिकेश। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को यही एंड करता हूँ मैं, और अगली नेक्स्ट वीडियो में देखना ऋषिकेश का। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ओके, टिल देन, बाय बाय।